Hello and good morning all of you and my dear little ones, how are you today? कैसे हैं आप सब? You all are good? और आपकी स्टडी कैसी चल रही है? आप अपनी स्टडी को enjoy कर रहे हैं? मैम तो enjoy कर रही है आप सबको पढ़ाना, लेकिन आप सब enjoy कर रहे हैं? बेटा ऐसे तो मैम को इंटरेस्ट नहीं आएगा जब तक आप इंजॉय नहीं करेंगे। और आपको पता है अगर हम कोई भी वर्क करते हैं जब तक हम उसको अच्छे से इंजॉय ना करें तब तक हमें किसी भी वर्क में इंटरेस्ट नहीं आएगा। लाइक अगर आपको खाना खाना है और आप कहोगे मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, तो आप खाओगे ही नहीं। लेकिन अगर आपका फेवरेट है या आप उस खाने को इंटरेस्ट लेकर खाओगे तो आपको टेस्टी भी लगेगा, है ना? तो वैसे सेम स्टडी भी है, जब तक आप इंटरेस्ट नहीं लोगे, जब तक आप अपनी स्टडी को इंजॉय नहीं करोगे तब तक आपको बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होगा। तो इसलिए आप अपनी स्टडी को इंजॉय कीजिए। कितना अच्छा आप घर बैठ कर इंजॉय कर रहे हैं, आपको स्कूल भी नहीं आना पड़ रहा है ना? आप घर बैठते हैं, होमवर्क करते हैं, फिर खेलने चले जाते हैं, खेलते हो ना? तो लेकिन आपको स्टडी भी साथ साथ करनी है ना? चलिए आज फिर मैम क्या कराने वाली हैं आपको पता है? आप बताइए मैम को। चलिए मैम नहीं आज आपको बताएंगी, आपको बताना है। आज मैम क्या करवाएंगी? ऑब्वियसली आज मैम शब्द लेखन बुक से करा रही हैं। एक्सरसाइज पेज नंबर 24 आज हम करने वाले हैं। और मैम ने आपको पेज नंबर 22 और 23 आज अ होमवर्क सेंड किया था, तो आपने उसको कंप्लीट किया है? आई एम श्योर कि आपने कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम पेज नंबर 24 करेंगे और उसके बाद मैम आपको नेक्स्ट पेज एज अ होमवर्क भी सेंड करने वाली हैं। तो बस अब वैसे तो आपको पता चल गया होगा अभी हमें करना क्या है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैम क्या करते हैं इसमें? रीडिंग। रीडिंग के बाद हम क्या करेंगे? ट्रेसिंग। और ट्रेसिंग के बाद हम राइटिंग करेंगे। और इन शब्दों को आपको लर्न भी करना है डिक्टेशन के लिए, ओके? तो चलिए च ख चक ख त। मैम ने आपको बताया था ना ख त, मेरी साउंड आ रही है, इसकी नहीं आनी चाहिए। खत, जब हम ज्वाइन कर लेंगे सिर्फ उसी शब्द की आवाज आनी चाहिए। खत, ब्रेक करने की आवाज नहीं आनी चाहिए। खत, ओके। चक खत यज्ञ छे। तो अब हम ट्रेसिंग करेंगे। ट्रेसिंग के लिए आपको डॉट्स को फॉलो करना होता है, तो बस ये जो हमारी डॉट्स हैं आप इनको फॉलो कीजिए। ख चख ख त खत य ज्ञ यज्ञ फिर छ। ओके, अब बस इसे हमें लिखना स्टार्ट करना है। मैम ने आपको बताया था ना ये हमारी इंग्लिश वाली लाइंस है, तो आपको स्टार्टिंग की 4 लाइंस में लिखना है। आपकी मम्मा ऐसे डॉट लगा देंगे। चख यज्ञ छ। ओके, अब नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 25, ये आपका होमवर्क है। तो चलिए हम होमवर्क की भी अपनी रीडिंग कर लें एक बार, है ना? अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको पता भी चल जाएगा। द स दस कर
ये हैंड होता है ना, इसको हम बोलते हैं कर। जड़, आप कोई भी प्लांट लगाते हो तो जो हमारी सॉइल के नीचे होता है पार्ट, वो हमारी जड़ होती है, सॉइल के नीचे जो प्लांट होता है। ओके, जैसे ये, जैसे हमारे हेयर्स होते हैं ना, वैसे ही प्लांट्स की भी हेयर होते हैं, जड़। खग, दस, कर, जड़, खग। बस इसको भी आपको ट्रेस करना है। दस, ऐसे ही कर, वही थ्री लाइंस वाला पैटर्न है, वैसे इसमें फोर लाइंस है लेकिन आपको स्टार्टिंग की थ्री लाइंस में लिखना है। ओके, दस, कर। अब आपको इस पेज को भी कंप्लीट करना है, ये आपका होमवर्क है और ये आपका क्लास वर्क कम होमवर्क है। बस दोनों पेज को कंप्लीट कीजिए, इनकी पिक्स हमें व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए। चलिए मैम अब फिर से आएंगी आपके पास एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आई एम श्योर गिवन होमवर्क कंप्लीट करना है, और होमवर्क हो चाहे क्लास वर्क हो, उसको इंजॉय भी करना है। सो टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।